एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ काले चने के फायदे, यानी कि आप इनको अगर अंकुरित करके खाते हैं तो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी इसके पूरी जो बेनिफिट्स हैं वो आपके लिए क्या क्या हैं। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं अक्सर ये भीगे हुए चने खाते हैं, क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं। दरअसल चने में कई पोषक तत्वों के साथ विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए भीगा हुआ चना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। फाइबर व प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण इससे बीमारियों को रोकने में हेल्प मिलती है। और भीगा चना पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। दरअसल भीगे हुए चने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फाइबर मुख्य रूप से भोजन को पचाने का काम करता है और भीगे हुए चने खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। और अगर आप इनको अंकुरित करके खाएंगे तो इनसे आपका दिमाग भी तेज होगा। बच्चों को भी खिलाना चाहिए और बढ़ते हुए वजन से अगर आप लोग परेशान हैं तो आपको भीगे हुए चने खाने चाहिए। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो भूख को कम करते हैं और वजन को घटाते हैं, और ये कैंसर के खतरे से भी हमें बचाता है। आंखों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से बचाता है, जिससे आंख देखने की क्षमता हमारी बढ़ती है और बनी रहती है। और अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है तो उसको भी ये ठीक करता है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भीगा हुआ चना रोज खाने से आपको चने में मौजूद आयरन की प्राप्ति होती रहेगी और आयरन आपके शरीर में पर्याप्त खून की मात्रा को बढ़ाएगा। और ये जो भीगे हुए चने होते हैं आपके फेस के लिए, बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। और इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों बड़ों सभी को ये खाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।